हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा सर्वे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, इफ टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इट इज कॉल्ड एज। तो जो टेलीस्कोप है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसके अबाउट रोटेट होता है? वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। एक पॉइंट ये भी याद रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है। और इस जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है स्विंगिंग, ठीक है। और स्विंगिंग में यदि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्विंगिंग राइट, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता तो उसको बोलते स्विंगिंग लेफ्ट। तो अब इस क्वेश्चन में कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको बोला जाएगा स्विंगिंग राइट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लेबलिंग डील्स विद डिस्टेंस इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑब्लिक प्लेन, डायगोनल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो लेबलिंग किस में डील करती है? वर्टिकल प्लेन में डील करती है, क्योंकि ये एलिवेशन बताती है और एलिवेशन वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ लेबलिंग इन विच ओनली बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग्स आर टेकन एट एवरी सेटअप ऑफ द लेवल इज कॉल्ड एज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका फिलाई लेबलिंग। फिलाई लेबलिंग एक ऑपरेशन होता है जिसमें केवल बैक साइड और फोर साइड ही ली जाती हैं स्टेशन पर, ठीक है, एवरी लेवल पर। तो फ्लाई लेवलिंग बोला जाएगा उस प्रोसेस को जहाँ पर बैक साइड और फोर साइड ली जाएंगी। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है टेलीस्कोप की? तो वो रेशियो होता है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू दैट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ठीक है। आई पीस और ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है उसका रेशियो होता है मैग्नीफाइंग पावर, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द कंडीशन दैट अराइजेज व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस एयर, यदि इमेज प्लेन ऑफ क्रॉस एयर में नहीं बनती है तो उसको पैरेलेक्स एरर बोला जाता है, और पैरेलेक्स एरर को एलिमिनेट किया जाता है फोकसिंग करके, फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव करके, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशंस ऑफ पॉइंट्स एट शॉर्ट मेजर्ड इंटरवेल्स अलोंग ए फिक्स्ड लाइन सच एज सेंटर लाइन ऑफ रेलवे, हाईवे एंड कैनाल ETC नोन एज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका प्रोफाइल लेबलिंग। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशंस ऑफ पॉइंट्स एट शॉर्ट मेजर इंटरवेल्स अलोंग ए फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन के अलोंग, जैसे कि सेंटर लाइन रेलवे की हो, हाईवे की हो या फिर कैनाल हो, इसकी जो फिक्स्ड लाइन होती है उस पर शॉर्ट इंटरवेल्स में जो एलिवेशन मेजर किए जाते हैं उसको बोला जाता है प्रोफाइल लेवलिंग। क्या बोला जाता है? प्रोफाइल लेवलिंग, शॉर्ट इंटरवेल्स पर ये एलिवेशन मेजर किए जाते हैं। ए लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजॉन्टल एट ए सर्टेन स्टेशन एट द सी लेवल, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड द लाइट हाउस इज 50 किलोमीटर। द हाइट ऑफ लाइट हाउसेज, हमसे पूछा है हाइट, डिस्टेंस हमको दे रखी है किलोमीटर में। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 3.855 रूट एच। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो सी लेवल पर जो लाइट हाउस का डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है 3.855 रूट एच। डिस्टेंस दे रखा है हमको 50 किलोमीटर, वैल्यू पुट कर दी 50 = 3.855 रूट एच, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी निकल के 168.35 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड इट्स कंटिन्यूएशन इज नोन एज। तो करेक्ट आंसर होगा उसका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट एक इमेजिनरी लाइन होती है जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड इट्स कंटिन्यूएशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट। परमानेंट एडजस्टमेंट का जो ऑर्डर है वो हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं,
ऑप्शंस दे रखे हैं, प्लेट लेवल टेस्ट, क्रॉस एयर रिंग टेस्ट, बबल ट्यूब एडजस्टमेंट टेस्ट, स्पायर टेस्ट, कोलिमेशन इन अज्यूमिड टेस्ट एंड वर्टिकल सर्किल टेस्ट। इनको हमको परमानेंट एडजस्टमेंट में जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेट लेवल टेस्ट यूज में लेते हैं, यानी कि सबसे पहले प्लेट लेवल टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, ये अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं कोलिमेशन इन अज्यूमिड टेस्ट, कोलिमेशन इन अज्यूमिड टेस्ट, ठीक है। और वो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, वो है फिफ्थ ऑप्शन, कोलिमेशन इन अज्यूमिड टेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं स्पायर टेस्ट। स्पायर टेस्ट किसके लिए काम में आता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एडजस्टमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद करते हैं बबल ट्यूब का एडजस्टमेंट, बबल ट्यूब एडजस्टमेंट। और उसके बाद सबसे लास्ट में करते हैं हम वर्टिकल सर्किल टेस्ट, वर्टिकल सर्किल टेस्ट, ठीक है। ये सारे टेस्ट हम करते हैं, सबसे पहले प्लेट लेवल टेस्ट, उसके बाद क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, उसके बाद करते हैं कोलिमेशन इन अज्यूमिड टेस्ट, स्पायर टेस्ट, बबल ट्यूब एडजस्टमेंट टेस्ट, और उसके बाद वर्टिकल सर्किल टेस्ट, ठीक है। दी फॉलोइंग साइट्स आर टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पे कौन सी साइट ली जाती है, फोर साइट भी ली जा सकती है और बैक साइट भी ली जा सकती है। तो बोथ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।